चुनाव की आड़ में इन दिनों जयपुर में अवैध निर्माणों का मायाजाल फैल चुका है, लेकिन जेडीए के बड़े अधिकारी कार्रवाई करने की बजाय मूक दर्शक की स्थिति में है। एक रिपोर्ट के जरिए आप समझिए। प्रदेश के साथ ही जयपुर भी बीते दो महीनों से चुनावी मोड पर है। चुनाव खत्म होने के बाद भी 23 मई तक यानी नतीजे आने तक आचार संहिता प्रभावी रहेगी। आचार संहिता के इस माहौल में जनता से जुड़े दफ्तरों में कामकाज ठप है। जेडीए भी इससे अछूता नहीं है। बीते दो महीने से जेडीए में भी काम की रफ्तार मंद पड़ी है, लेकिन इन दो महीनों में जेडीए की प्रवर्तन शाखा ने सबसे अधिक मौज काटी है। चुनावों के माहौल में प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों को अधिक सतर्क होकर काम करना चाहिए था, लेकिन प्रवर्तन अधिकारियों ने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई करने की बजाय ऐसे निर्माणों को संरक्षण देने का काम किया। इसका परिणाम ये हुआ कि शहर में अवैध निर्माणों का ग्राफ अब तक के सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गया। पृथ्वीराज नगर दक्षिण इस समय अवैध निर्माण माफियाओं का सबसे पसंदीदा इलाका बना हुआ है। यहाँ कोर्ट की रोक के बाद भी धड़ल्ले से फ्लैट बनाने का काम चल रहा है। इस जोन में अधिकारियों की मिली भगत का आलम यह है कि कार्रवाई करने का अंतिम नोटिस देने के बाद भी इमारतों में काम तेजी से चल रहा है। प्रवर्तन शाखा के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन रघुवीर सैनी ने PRN साउथ के प्रवर्तन अधिकारी प्रमोद शर्मा को लापरवाही बरतने के कारण दो बार UO नोटिस भी लिखे। वहीं JDA SP प्रीति जैन भी लगातार कोशिशें कर रही है, लेकिन इसके बाद भी कोई असर पृथ्वीराज नगर में नहीं हुआ है। अब आपको दिखाते हैं प्रमुख इलाके जहां सबसे अधिक अवैध निर्माण हो रहे हैं। पृथ्वीराज नगर दक्षिण, यहां फ्लैट्स बनाने पर कोर्ट की रोक है, इसके बाद भी यहां बड़ी संख्या में फ्लैट्स बन रहे हैं। यहां जिम्मेदार अधिकारी प्रमोद शर्मा हैं। जोन 5 में न्यू सांगानेर रोड सहित कई इलाकों में अवैध व्यावसायिक निर्माण किए जा रहे हैं। द्रव्यवती के आसपास भी कई जगह अतिक्रमण हो रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहां जिम्मेदार अधिकारी अनिल कुमार शर्मा हैं। जोन 9 जगतपुरा और रामनगरिया इलाके में बड़ी संख्या में अवैध निर्माण हो रहे हैं। महल रोड के आसपास भी काफी अवैध निर्माण है, शिकायतों के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सुनील गुप्ता जिम्मेदार अधिकारी है। जोन 4 एयरपोर्ट के आसपास और टोंक रोड के कुछ हिस्सों में दर्जनों अवैध निर्माण हो रहे हैं। प्रवर्तन शाखा कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी आलोक कुमार सैनी है। जोन 6 ये ऐसा इलाका है जहाँ सबसे अधिक औद्योगिक अवैध निर्माण हो रहे हैं। अवैध कॉलोनी काटने वाला गिरोह भी यहाँ सक्रिय है। प्रवर्तन अधिकारी कार्रवाई नहीं कर रहे, यहाँ जिम्मेदार अधिकारी राजीव यदुवंशी है। इनके अलावा भी शहर में दर्जनों जगहों पर अवैध निर्माणों का काम चल रहा है। काफी प्रयासों और बैठकों के बाद JDC टी रविकांत भी प्रवर्तन शाखा पर लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। प्रवर्तन अधिकारियों की मिली भगत वाले रवैये की खबर UDH मंत्री तक भी पहुंची है। अब देखना होगा कि चुनाव बाद UDH मंत्री प्रवर्तन शाखा के काम को कितना पटरी पर ला पाते हैं। शिवेंद्र सिंह परमार, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।